उत्कल घंट कवि जदुमणि महापात्र जन्म 1781 मसीहा आज दिन में होता कवि जदुमणि जन्मस्थान गंजाम आठगड़ तेरे कर्ममय जीवन नयगढ़ ईटामाटी बीती से एक साधारण परिवार रे जन्म नहीं किंतु निजर अध्यवसाय और प्रचंड ज्ञान बल काव्य कविता और चित्रकला सृष्टि अपूर्व सफलता हासिल करते कवि जदुमणि को कहुए उत्कल घंट घंट जमी विपद बेले सतर्क कराई दिए से हीपरी जदुमणि महापात्र निजर समालोचनामूलक कविता माध्यम ओडिया जाति को सचेतन कराउथुले जदुमणि कवितारे तांकर निर्भीकता देखा जाए से कविता माध्यम प्रजामानंकु शोषण करुथुबा राजांकु तीव्र निंदा करिबा सहित समाज को शिक्षणीय बार्ता मध्य देउथुले व्यंग कविता कौतूहलपूर्ण कथा और चित्रकला सहित कवि जदुमणि प्रभु श्री रामचंद्र को नहीं काव्य राघव विलास और भगवान कृष्ण को नहीं प्रबंध पूर्णचंद्र रचना करिथिले। प्रख्यात ओडिशी नृत्यगुरु केलुचरण महापात्र जन्म 1926 मसीहा आज दिन में होता विंश शताब्दी में ओडिशी पुनरुत्थान और शास्त्रीय मान्यता प्रदान कराइबारे गुरु केलुचरण प्रमुख भूमिका रही पद्म विभूषण सम्मान पाइबार से होती प्रथम ओडिया गुरु केलुचरण प्राय 200 एकक प्रदर्शन और 50 नृत्य नाटिकार संयोजना कर देश विदेश बहु अनुष्ठान से ओडिशी नृत्य शिक्षा प्रदान कर महान पदार्थ विज्ञानी स्टीफेन हॉकिंग का जन्म 1942 मसीहा आज दिन में होता जितेबाला स्टीफेन मात्र 21 वर्षर होते डाक्तर कही मात्र 2 वर्ष बंची पारे किंतु डाक्तर का दावी को भूल प्रमाणित कर हॉकिंग निजर गवेषणा जारी रखी ब्रह्मांडर रहस्य संपर्क में अनेक तथ्य सामना को आनी हॉकिंग जीवन तक उद्भावन परी समस्त आश्चर्यजनक 14 मार्च 2018 महान वैज्ञानिक परलोक होता। इटाली महान ज्योतिर्विज्ञानी पदार्थ विज्ञानी तथा विद्वान गालिलियो 1942 मसीहा आज दिन में 78 वर्ष बयस परलोक होता गालिलियो गालिली दूरवीक्षण जंत्र उद्भावन करते पर्यवेक्षणकारी ज्योतिर्विज्ञान जनक मध्य कहुए। अंतर्जातीय स्तर में चर्चित प्रथम भारतीय चलचित्र दो विघा जमीन निर्देशक बिमल राय 1965 मसीहा आज दिन में परलोक होता तांकर वास्तवधर्मी चलचित्र गुड़िक खूब लोकप्रियता हासिल करिथिला। तांकर निर्देशित चलचित्र मधुमती 9 फिल्मफेयर अवार्ड जीति एक रेकर्ड थिला। बिमल राय 11 थर फिल्मफेयर अवार्ड समेत 2 थर जातीय फिल्म पुरस्कार और कांस फिल्म फेस्टिवल अंतर्जातीय पुरस्कार हासिल करिथिले।